हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज फिर से मैं आपके सामने जनरल स्टडी पेपर 1 का पॉइंट नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ, जिसका टॉपिक है जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आप लोग पार्ट 2 देखने से पहले, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें पार्ट 1 देखें, ताकि आपको ये टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो सके। एक पार्ट देखने से आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। आज हम ये टॉपिक करेंगे, साथ के साथ जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 4 और हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस सोशियोलॉजी, जल्द ही सोशियोलॉजी तो शुरू करने वाले हैं, बाकी ये तीनों चीज़ें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है 4, और हिस्ट्री जो कि वैकल्पिक विषय जिन्होंने चूज़ किया है, प्लस वो जीएस पेपर 1 में भी इंक्लूड होगा कुछ टॉपिक, मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। वो चीज़ें हम लोग अपने चैनल पे शुरू कर चुके हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं लेकर आ चुकी हूँ और आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल जाए जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं जनसंख्या तथा उसकी संबंध समस्याएँ। एक बार मैं आपको इसमें बता दूँ कि ये हम टॉपिक का पॉइंट नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं और महिला संगठनों के समाज में भूमिका, ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम नया टॉपिक कर रहे हैं जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं। तो इसका पार्ट 1 मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो हम अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि हम लोगों ने इसे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। सब टॉपिक्स में हम लोग ने क्या क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। विशेषताएँ हम कर चुके हैं पहले पार्ट में, परिणाम पहले पार्ट में कर चुके हैं, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण जो भारत में डिवाइड है, जनसंख्या अलग अलग जगह, तो वो उसको क्या कारण है जो प्रभावित करते हैं वो हम करेंगे। कारण, सुझाव, सरकारी नीतियाँ और जनसंख्या नीति 2000, ये दूसरी जनसंख्या नीति है। पहली जनसंख्या नीति 1976 में बनाई गई थी, ये दूसरी है, जो लेटेस्ट है हम उसी को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम विशेषताएं देखी थी, ये आप 6 विशेषताएं हैं इसकी, देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। भारत में जनसंख्या की विशेषताएं क्या है, नेक्स्ट जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या परिणाम होते हैं, ये आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा, लास्ट टाइम हमने ये किया था। और ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ ये एज एन आपको एससे में भी काम आएगा, तो इसलिए ये टॉपिक, इस टॉपिक को आप सिर्फ जीएस पेपर 1 के लिए ही नहीं, एससे के तौर पर भी तैयार कीजिएगा। आज हम करते हैं भारतीय जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि कहीं तो जनसंख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है और कहीं इंडिया में जनसंख्या बहुत कम है, तो ऐसा क्यों है, ये किस रीज़न से कहीं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है कहीं बहुत कम है, तो इसको, इसका रीज़न क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है धरातल। धरातल मतलब होता है स्थलाकृति, मतलब कि हमारी भूमि कैसी है, पृथ्वी कैसी है जहाँ पर रहते हैं इंडिया में लोग, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या को प्रभावित करती है। मतलब कि जहाँ पे जटिल स्थलाकृति पाई जाती है, मतलब पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं इस टाइप से, तो वहाँ पे जनसंख्या कम रहती है, और जहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, नदी की घाटियाँ पाई जाती हैं, डेल्टा प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है। ये ऑब्वियस है रीज़न इसका कि जहाँ पर खेती नहीं हो पाएगी, जहाँ पर आर्थिक संसाधन नहीं प्राप्त होंगे, वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करेंगे, और जहाँ पर मैदानी इलाका होगा, खेती कर पाएगा इंसान, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। तो इसी में धरातल में परिवहन की सुविधा का भी अभाव होता है, जहाँ पर उबड़ खाबड़ पर्वत पहाड़ होते हैं तो वहाँ परिवहन भी काम नहीं करता है, इसलिए धरातल जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसी में हम लेते हैं जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करती है, आप लोगों को पता ही होगा कि हिमालय एक पर्वतीय क्षेत्र है, और जैसे राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, तो उस तरह की जलवायु में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह
पूर्वी हिमालय में पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पे भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी विषमता पाई जाती है जलवायु में। इस वजह से जहाँ पर जलवायु सम जलवायु होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, और जहाँ पर विषम जलवायु होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडी, इस टाइप का मौसम होगा, तो वहाँ पर लोग कम रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं खनिज संसाधनों की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने के लिए। जहाँ पर खनिज संसाधन अधिक होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अधिक अवसर होंगे, वहाँ लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, वहाँ आर्थिक संसाधन अधिक होंगे। जैसे कि एग्जांपल दूंगी, दामोदर घाटी या छोटा नागपुर का पठार होता है या कोलार क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ खनिज मिलता है। खनिज मिलता है तो लोगों को काम करने के लिए वहाँ पे स्कोप है, कि खदानों में लोग काम करते हैं, फिर उस खनिज से जो जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पे लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए जहाँ पर खनिज संसाधन अधिक मात्रा में होंगे वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, और जहाँ कम मात्रा में होंगी वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। नेक्स्ट, जल की उपलब्धता। ये तो ऑब्वियस है, जल ही जीवन है, सबको पता है ये। जल हमारा प्राथमिक आवश्यकता है, तो जहाँ पर जल की मात्रा, सुविधा अधिक होगी जल की, नदियाँ होंगी, भूमिगत जल अच्छा होगा, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जहाँ जल का अभाव होगा, जैसे राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में जल का अभाव है, तो वहाँ जनसंख्या का जो वितरण है बहुत ही कम है, कुछ एकाध किलोमीटर पे बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। तो जल की उपलब्धता एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, क्योंकि खेती भी जल से ही होती है, डेली के रोज़मर्रा के काम भी पानी से ही होते हैं। इस वजह से सिंचाई में, पेयजल में, औद्योगिक कार्यों में और जल विद्युत उत्पादन में, यहाँ तक कि परिवहन में भी पानी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, परिवहन। ऑब्वियस है, परिवहन, जहाँ पे परिवहन की सुविधा अधिक होगी, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे मेट्रो चलती हैं, और फिर आजकल तो बहुत सारी एसीज बसेस चलने लगी हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण अधिक होगा। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, इस टाइप के शहरों में जहाँ पर बहुत अच्छी परिवहन की सुविधा है वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, और थोड़ा सा गाँव में चले जाइए तो वहाँ पर जनसंख्या वितरण कम होगा, जहाँ पर परिवहन की सुविधा बहुत अच्छे से उपलब्ध नहीं होगी, उबड़ खाबड़ क्षेत्र होगा। ये हमारा धरातल पे भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक में आएगा, जैसे कि कोई भी सीमावर्ती राज्य होते हैं, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ सही नहीं होती हैं, पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इस वजह से लोग वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम होता है, और वहाँ मतलब स्थानांतरण देखा जाता है, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करते हैं अगर राजनीतिक गतिविधियाँ सही नहीं होती तो। नेक्स्ट, आर्थिक कारक। जो भी स्टेट या जो भी देश, अगर वहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी तो जनसंख्या कितनी भी ज़्यादा हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को कमाने खाने की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है किसी भी क्षेत्र की, तो वहाँ की जनसंख्या अगर अधिक है तो प्रभावित करेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होने से जनसंख्या वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेगी, लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है स्टेट की या जगह की, जहाँ भी मैं बात करी प्लेस की, तो वहाँ पर लोगों का रहना बहुत ही कम होगा, क्योंकि लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए भी प्रॉपर अवसर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत ही मैटर करती है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये कैसे प्रभावित करता है, इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी, या आदिवासी लोग ही ले लीजिए, या पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग ले लीजिए, वो लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। आदिवासी लोग अपने कल्चर को संभाल कर रखते हैं, तो इस वजह से लोग वहाँ पर, उनकी जनसंख्या सिमट गई है, वहाँ पर रहने लगी है। इसी तरह जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक अलगाव नहीं करना चाहते लोग, धार्मिक कारणों से भी जन्मभूमि के प्रति प्रेम होता है उन लोगों का, तो वो अपने स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाते हैं, लोग अपना खाने कमाने दूसरी जगह नहीं जाते हैं, तो ये भी एक मेजर फैक्टर होता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का। तो आपको ये 8 फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ये 4 ऊपर मैंने बताए और ये नेक्स्ट 4, ये तो 8 फैक्टर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सुझाव की। तो ये मैंने जो 8 सुझाव दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सुझाव आप दे सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और क्या क्या सुझाव हम इसमें लिख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को कम करने के परिप्रेक्ष्य में। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग का ये होमवर्क है, ठीक है। तो मैं आपको जो 8 सुझाव मैंने दिए हैं जो हो सकता है इसमें, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना। अगर शिक्षा ज़्यादा होगी, शिक्षा अधिक होगी, तो लोगों में जागरूकता फैलेगी, और जागरूकता फैलेगी तो परिवार नियोजन के उपायों को अपनाया जाएगा और जनसंख्या में कमी आएगी। ये शिक्षा बहुत ही मेजर फैक्टर है जनसंख्या को रोकने में या नियंत्रण करने में। मैन नेक्स्ट इसमें यौन शिक्षा, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा देनी चाहिए। अगर वो इंटर और इंटरमीडिएट में हैं तो उन लोगों को यौन शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो आगे आने वाली लाइफ में अपने जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान दे सकें। नेक्स्ट है प्रोत्साहन और अनुशासन। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी योजना शुरू की जाए, कोई भी ऐसा दंड शुरू किया जाए जिसकी वजह से लोग जनसंख्या नियंत्रण में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकें, सरकार के साथ अपना योगदान दे सकें। प्रोत्साहन के अंदर हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं किसी फैमिली के या BPL परिवार में, तो उनको मुफ्त राशन बांटा जा सकता है। तो हम ये इसमें क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उनको मुफ्त राशन मिलेगा। इससे जनसंख्या वृद्धि में बहुत ही रुकावट आएगी। अनुशासन के तौर पर हम ये देख सकते हैं, और पहले कई राज्यों में लगाया भी गया है ये चीज़, कि जिस भी पर्सन के 2 बच्चे होंगे उसे ही चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इस टाइप से हम अनुशासन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो इससे जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत ही सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है जागरूकता। ये बहुत ऑब्वियस बात है, सरकार कितनी भी योजनाएं बना ले या कितनी भी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अगर लोगों में जागरूकता ही नहीं रहेगी कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हमें क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, या हमारे देश में इन फ्यूचर क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो लोगों में जागरूकता फैलाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। लोगों में को पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना। सरकार को ऐसी समय समय पर कई सेवा योजनाएं शुरू करनी चाहिए जिसमें शिक्षित युवकों और युवतियों का योगदान हो, जो आम आदमी से जुड़ के, मतलब पर्सन टू पर्सन जुड़ के, वो लोगों को बता सके कि सरकार ने ऐसे ऐसे परिवार नियोजन के लिए कदम उठाए हैं और आप उसमें सरकार की भागीदारी कीजिए। तो इस टाइप से राष्ट्रीय सेवा योजना भी बहुत मदद करती है जनसंख्या के नियंत्रण में। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। अगर आर्थिक विकास होगा किसी भी क्षेत्र का, तो जनसंख्या नियंत्रण को सबसे बड़ा उपाय माना गया है। इसीलिए किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को या किसी भी स्टेट को विकसित होना चाहिए आर्थिक रूप से। सामाजिक मूल्य, नेक्स्ट हमारा सुझाव है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य में आता है कि जैसे कि गोद लेने वाली प्रथा है, तो लोगों में ऐसी जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों में ऐसे मूल्य उत्पन्न करने चाहिए कि लोग बच्चों को, जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो और बच्चों को जो अनाथ आश्रम से गोद ले सके, ताकि जनसंख्या वृद्धि में कमी लाई जा सके। गोद लेने से एक तो बच्चों को माँ बाप मिलेंगे, दूसरा जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ चल सकती हैं। नेक्स्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पहले ही आना चाहिए, परिवार नियोजन के उपाय। सरकार को साथ के साथ जनता को भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं परिवार नियोजन के, गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग परिवार नियोजन के उपाय अपनाकर जनसंख्या वृद्धि में कमी ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 टॉपिक किए। एक हमने किया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हमने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सुझाव के बारे में बात की। तो आगे हम और भी इसमें पार्ट्स लेकर आएंगे जिसमें आगे बात करेंगे और टॉपिक्स पे। तो आपको होप आई ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस लेसन के लाभ मिल सके। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।